हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेंस के ब्लॉग। गाइस, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं फिर से मुंबई के वर्सोवा इलाके में, और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं केतकी दावी जी का घर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इनके नाम से नहीं जानते होंगे लेकिन इनके चेहरे से आप लोग जरूर पहचानते होंगे। आप लोगों ने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मूवी देखा ही होगा, जिसमें एक्टर का रोल अदा करते हैं गोविंदा जी, लेकिन इसमें एक कॉमेडियन रहते हैं जॉनी लीवर, और उसमें उनकी पत्नी रहती है केतकी दावे जी, जिसमें वो बिमला का रोल अदा करती हैं। ये वाला आप लोगों ने कॉमेडी देखा ही होगा, अरा ऐसे करके कॉमेडी होता है, और इससे उनको काफ़ी पहचान मिली है और काफ़ी सारी मूवी में इन्होंने काम भी किया है और अब सीरियल में काम करती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को केतकी दावे जी का, यानी कि जॉन लीवर जी की वाइफ जो बनी रहती है, उनका घर दिखाने वाले हैं कि वो मुंबई में कहाँ पर रहती हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं उनके साइड एक्टर के रूप में काम करने वाले लोगों का घर कैसा है, उनकी रियल लाइफ कैसा है, उनका रियल हाउस कैसा है, ये भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं उनके घर की ओर। फाइनली दोस्तों, हम लोग अभी उनके घर के ठीक सामने आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कार्नेशन। इसी बिल्डिंग में केतकी दवे जी रहती हैं, उनका घर है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो इस बिल्डिंग के कौन से फ्लैट में रहती हैं। अभी जहां पर मैं आया हूं ना, ये अरुण गोविल जी जो रामायण के राम बने हुए थे, जस्ट उनके घर के पीछे ही इनकी ये बिल्डिंग है जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में पड़ती है। दोस्तों, जो केतकी दवे जी है ना, वो बहुत ही फेमस एक्टर हैं और टीवी सीरियलों में भी काम करती हैं, और यही उनका घर है जहाँ पर मुंबई में वो रहती हैं। देखिए वहाँ पे कार्नेशन बी बिल्डिंग है और सामने वाली कार्नेशन ए बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर केतकी दवे जी का घर है, जहाँ पर ये आपको बालकनी दिख रही होगी, जहाँ पे पेड़ पौधे छोटे छोटे गमले में लगाए गए हैं, और आपको व्हाइट कलर का यहाँ पे ना पर्दे डले हुए दिखाई दे रहे होंगे, और ये पूरा खिड़की कांच की खिड़की है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो बिल्डिंग है ना, ये फ्लैट, इसी फ्लैट में केतकी दवे जी रहती हैं, और उनके घर के ठीक सामने का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है, और ये काफ़ी फेमस इलाका है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ केतकी दवे जी ही नहीं, बहुत से एक्टर रहते हैं। देखिए वहाँ लिखा है कार्नेशन ए और ये है कार्नेशन बी, यानी दोनों बिल्डिंग एक ही है लेकिन ए बी है। और इतना ही नहीं, देखिए इनके घर के सामने कितना शांत माहौल है, और ज़्यादातर एक्टर ना शांत माहौल में घर लेना ही पसंद करते हैं, तो यही फ्लैट है उनका जहाँ पे वो मुंबई में रहती हैं। दोस्तों आपको बता दें, केतकी दवे जी का जन्म 13 अगस्त 1960 ना मुंबई में ही हुआ था। ये एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, और इन्होंने 75 से अधिक गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। आप लोगों ने आदमी अठन्नी खर्चा रुपया, मनी है तो हनी है, कल हो ना हो, और हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, ये सारी प्रसिद्ध हिंदी फिल्में देखे ही होंगे। इन सभी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। इन्होंने बहुत टीवी धारावाहिकों में भी अभिनय किया है, जैसे नच बलिए, बिग बॉस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आहट, संजीवनी, और यहाँ तक कि बहने, कॉमेडी सर्कस फर्स्ट में भी तमन्ना, पालिका बधू 2, पुष्पा असंभव, पवित्र रिश्ता, ये सारे धारावाहिक में इन्होंने अपना किरदार निभाया है। केतकी दवे जी की माता का नाम सरिता जोशी है, जो कि एक अभिनेत्री हैं, और इनके पिता का नाम प्रवीण जोशी है, जो कि एक थिएटर निर्देशक थे। इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है पूर्वी जोशी, और वो भी एक अभिनेत्री और एंकर है। जो यहाँ पर केतकी दवे जी हैं, इनकी शादी रसिक दवे जी के साथ हुई थी, लेकिन रसिक दवे जी की मृत्यु 30/7/2022 को हो गई है, और अब केतकी दवे जी एक विधवा की जिंदगी जीती हैं। पहले ये अपने पति के साथ ना एक गुजराती थिएटर कंपनी चलाती थी। और इतना ही नहीं, इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है रिद्धि दवे, और इनके दो चचेरे भाई भी हैं जिनका नाम है सरमन जोशी और मानसी जोशी राय, और इनके एक चाचा हैं जिनका नाम है अरविंद जोशी। केतकी दवे जी एकता कपूर के सबसे लोकप्रिय नाटक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अपनी भूमिका के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने दक्षा बिरानी की भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1996 में नाटक हसरते से टेलीविजन उद्योग में अपनी शुरुआत की थी। 2000 में इन्होंने एकता कपूर के नाटक क्योंकि सास भी कभी बहू थी से अधिक प्रसिद्धि इनको मिली है। केतकी दवे जी ने 1983 में फिल्म किसी से ना कहना में श्यामोली के किरदार के रूप में अपनी एंट्री की थी, और आज के टाइम में इसी बिल्डिंग के
चौथी मंजिल पर जो केतकी दवे जी हैं वो रहती हैं। आप लोग इनका घर देख सकते हैं जो कि मुंबई में ही है। अगर केतकी दवे जी के टोटल नेटवर्थ की बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ लगभग 15 से 20 करोड़ के आसपास है और इनके पास भी टाटा की और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। तो यही है हमारी केतकी दवे जी का घर कॉर्नेशन, इसी बिल्डिंग में वो अपने परिवार के साथ रहती हैं। तो गाइज उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको केतकी दवे जी का घर का टूर करा दिया है और साथ में उनके बायोग्राफी के बारे में भी सब कुछ अच्छे से बता दिया है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।